हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज शेख है और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि एक न्यू प्रकार का यूट्यूबर है, या फिर उसे नहीं पता कि कौन सा मैक यूज करना है, या फिर वैसे लोग जो मैक खरीद खरीद के तंग हो चुके हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा मुझे कौन सा मैक लूँ जिसके बाद मुझे मैक जल्दी खरीदना नहीं पड़े, या फिर वैसे लोग जो सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा मैक लेना है जो कि अच्छा चले जिसमें आवाज़ क्लियर आए, लेकिन वो महंगा मैक नहीं ले पा रहे हैं और सस्ता मैक उसके लिए है नहीं, क्योंकि सस्ता मैक तो जानते करते हो कैसा होता है, सस्ता सस्ता होता है। मैं इसमें रुपया लगा लगा के तंग हुआ ऐसा मैक खरीद खरीद के, बोया M1 माइक से लेकर हर एक टाइप का माइक, JBL माइक, कौन कौन माइक, बहुत टाइप का माइक था जिसमें मैंने बहुत सारा रुपया लगाया जो कि 10-15 दिन चलता था, महीना भर चलता था, फिर खराब हो जाता था। तो ऐसे माइक लेके कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मैंने जो मैक यूज करता हूँ वो मैक के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा मैक है। मैक तो आप देख ही रहे कि मैं कौन सा मैक यूज कर रहा हूँ, आपके सामने मैक है। तो ये मैक के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही क्लियर बताऊंगा, और ये आपके मोबाइल में सपोर्ट करता है, कैसे सपोर्ट करता है ये भी चीज़ मैं बताऊंगा, क्या ये आपके डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट करता है या फिर डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट नहीं करता है ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और इसको सपोर्ट करने के लिए इसमें कौन कौन सा सेटिंग करना पड़ता है मैं ये भी चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहला बात, ये जो मैक है ये K8 कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी है, इस कंपनी का मैक है, ठीक है, जो कि मुझे लिए हुए हो गया करीब करीब 3.5 महीना हो चुका है। मैं इस मैक को 3 महीना से यूज कर रहा हूँ, तो उसका रिव्यू करके कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें दो प्रकार का ये होता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसे आप कॉलर में यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं यूज कर रहा हूँ, और इसे आप अपने मोबाइल के पीछे में लगा देंगे, ठीक है। और इसमें जो आपको एक तो चीज मिलता है, ये मिलता है प्लग, ये प्लग आपको तब यूज आएगा जब आपके पास में आईफोन है, क्योंकि ये आईफोन के लिए, अगर आपके पास में एक नॉर्मल मतलब कि एंड्रॉयड डिवाइस है जो कि सी टाइप का होना चाहिए, अगर वो है तो आपको इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपको मिलता है वो एक डाटा केबल मिलता है छोटा सा, जैसे ये चार्ज होता है, और चार्ज करने के बाद आपसे ये 5-6 घंटा आप लगातार इससे आप वीडियो बना सकते हैं। ये सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, लेकिन इसमें एक और खूबी ये है कि ये मतलब कि कंपनी तो कहता है कि हर एक मोबाइल में डिफॉल्ट कैमरा में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेरे पास में Realme 6 मोबाइल है और इसमें ये डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट नहीं करता, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा यूज करके, लेकिन आपके मोबाइल में सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि किसी किसी मोबाइल में डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट करता है और किसी किसी मोबाइल में डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट नहीं करता है। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ ओपन कैमरा से, और आप देख सकते हैं कि पंखा चालू है, देख लीजिए दोस्तों पंखा चालू, लेकिन इसमें उतना नॉइस नहीं आता है, नॉइस पूरा क्लियर रहता है, कभी कभी मतलब नॉइस के लिए प्रॉब्लम होता है, हल्का हल्का नॉइस कभी कभी आ जाता है। अभी देखिए दोस्तों, अभी मैं मस्ती से वीडियो बना रहा हूँ, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे मेरा बिल्ली सोई हुई है, लेकिन मुझे कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगा कि ये डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट करता है या फिर सपोर्ट नहीं करता है, और सपोर्ट करता है कितना सपोर्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये मेरा डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपका भी डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट नहीं करेगा, आपका डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट कर सकता है, ऐसा ये कहता है। पहले आप इसका रिव्यू देख लीजिए, अगर आपको ये मैक पसंद आता है तो आप इसे मंगा लीजिए, मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो मंगा सकते हैं, अगर नहीं पसंद आता तो 10 दिन रिटर्न का ऑप्शन रहता है, आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा बोया M1 मैक मंगाना, या फिर ये जो भी आलतू फालतू मैक है ये सब मंगाने से अच्छा है कि ये मैक मंगा लो जो सस्ता मत है, जो कि 1200-1200 रुपया में आ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैं डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, जैसा कि देख सकते हैं मैं अभी पंखा भी ऑन किया हुआ हूँ और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें नॉइस आ रहा है। तो ये मेरे मोबाइल में डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट नहीं करता, अगर आपके मोबाइल डिफॉल्ट कैमरा सपोर्ट करता है तो आपके लिए तो अच्छा है। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि ये मेरे डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आपके भी मोबाइल में डिफॉल्ट कैमरा में सपोर्ट नहीं करे तो आपको अपने मोबाइल में ओपन कैमरा में ऑन करने से पहले, वीडियो बनाने से पहले आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, तभी जाके ये आपके ओपन कैमरा में सपोर्ट करेगा। ओपन कैमरा में सपोर्ट करवाने से पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके आपको OTG सर्च कर लेना है, OTG सर्च करने के बाद आपको उसे ऑन कर देना है, इसके बाद आपको वहां से रिटर्न चलाना है, रिटर्न आने के बाद आपको ओपन कैमरा में आना है, ओपन कैमरा में आने के बाद आपको यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर देना है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो पर क्लिक करना है, वीडियो पर क्लिक करने के बाद उसके अंदर एक ऑप्शन होगा ऑडियो सोर्स का, आपको उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि एक्सटर्नल माइक, डिफॉल्ट माइक, मतलब बहुत टाइप का माइक का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको एक्सटर्नल माइक पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको वहां से बैक चलाना है, और उसके बाद आपको अपने मोबाइल से कैमरा ऑन करके वीडियो शूट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और आवाज़ कितना क्लियर आ रहा है, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।